जग जाहिर बातें हैं, जो दुनिया को पता है, जो उनके फैंस को पता है, जो उनको फ्रेंड्स को पता है, जो उनकी फैमिली को पता है, और मैच्योरिटी उसमें कूट कूट के भरी हुई है। और हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, अलग अलग उम्र के फ्रेंड हैं। जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है ना, अभी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है इन द बिग बॉस हाउस, एंड दैट इज व्हाट इज ब्यूटीफुली कमिंग अक्रॉस, बिकॉज फ्रॉम वेयर वी आर सीइंग इट, इट इज कमिंग अक्रॉस वेरी ब्यूटीफुली। वी वुड टेक इट एज पॉजिटिवली, एब्सोल्युटली। आई वॉन्ट टू बी हाउ आई एम, आई एम गोना शो हु आई एम, नथिंग प्री प्लान्ड, नथिंग प्री प्लान्ड। चार जन मिलके बोल रहे क्यों, दैट इज हाउ ही इज, ही प्लेज लाइक अ लोन वुल्फ, सिंपल। मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट हैज कम आउट ऑफ बिग बॉस टिल नाउ, मुझे उन लोगों की, उनका मैं बोलता हूँ अविनाश हमारा आंसर से, अगर हमें लड़ना है तो भी अविनाश के साथ ही लड़ना है, और जीतना है तो भी अविनाश से। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने खुद ही बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, जो जग जाहिर बातें हैं, जो दुनिया को पता है, जो उनके फैंस को पता है, जो उनको फ्रेंड्स को पता है, जो उनकी फैमिली को पता है, दैट ही इज़ अ स्वीटहार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और वो अच्छा ही खेल रहा है, और आगे धीरे 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 अच्छा ही होता जाएगा। दैट इज़ ऑल आई कैन से, दैट वी आर ऑल सपोर्टिंग हिम, हिज फैंस आर सपोर्टिंग हिम, एवरीबडी इज सपोर्टिंग हिम, और आगे आगे देखिए होता है क्या। आई वुड जस्ट से दैट ही इज जस्ट लाइक दिस, व्हाट यू सी राइट नाउ, जहाँ हम आप उसको बिग बॉस पे देख रहे हो, He's as simple. He, that's the reason people love him. और ऐसा ही चलते रहेगा, and everybody will support him. We are expecting more and more and more support. जैसा है वैसा ही रहना है। शुरुआत पहले दिन से, शुरुआत में पहले दिन से करता हूँ कि जिस तरह वो आए सलमान सर के सामने, वो आए और सलमान सर फिर वापस गए और पलक को लेके आए थे और उन्होंने react नहीं किया और वो अंदर गए पलक, उन्होंने किसी से बात भी की और कहा था कि अरे पलक को लेके आए, जिया से बात की थी तभी पलक को लेके आए, I did not read, वो कितना mature sign करता है as a human being। एब्सोल्युटली, वही तो मैच्योरिटी है ना अभी की, वही मैच्योरिटी है अभी की, कि किसी भी चीज़ पे रिएक्शन, और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसके लिए रिएक्शन देके कोई मतलब नहीं। सो आई गेस दिस इज हाउ मैच्योर्ड ही इज, और मैच्योरिटी उसमें कूट कूट के भरी हुई है, और हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, अलग अलग उम्र के फ्रेंड हैं, और कई बार अभी सो मैच्योर दैट हम, मेरे से अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बड़ा भाई बोलता है, और लिटरली बड़ा भाई बोलता है, and lot of times I am giving him advice, but there are lots of times when he is giving me advice, so he is a very very mature individual, and usko situations mein kaise kaam rehna, kaise situations ko handle karna, kaise sambhalna, not just himself but logon ko kaise sambhalna around, he knows it very very well, so that's how he is and that is what is coming across. On the fence. आप लोग दूसरों के मैटर में ज्यादा दिखते हैं, अपना खुद का स्टैंड नहीं रखते, तो क्या कुछ लगता है कि आपको उन्हें एडवाइस देना चाहिए, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहिए कि नहीं अपना खुद का स्टैंड लो, खुद का गेम? आई थिंक जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है ना, अभी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, he'll make sure that कि जहाँ पे उसको बोलना है वो वहीं पे बोलेगा, जबरदस्ती दूसरों के पंगों में पढ़ने की आदत ना पहले थी ना आज है, सो जो वो दिख रहा है वो रियल दिख रहा है। तो वो ऑन द फेंस वाली जो बात है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि ठीक है आपको ऐसा चाहिए कि कोई बंदा हर चीज़ में लड़ाई करे, वो वैसा है नहीं। एक इंडिविजुअल मैच्योर्ड बंदा कहीं बात करता है तो अपने लिए बात करता है, वो या तो जिस बंदे से दोस्ती करता है वो उसके लिए बात करता है, जिस लफड़े में उसका कोई हाथ ही नहीं है तो उधर बोलने की उसको जरूरत भी नहीं। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड ऑन दिस, सिटिंग ऑन द फेंस का एक दूसरा पहलू है, एक दूसरे तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बैलेंस।
बैलेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी, हम सब बात करते हैं कि वी नीड बैलेंस इन लाइफ, वी हैव टू बैलेंस आवर लाइफ। आपने अगर एक स्ट्रीक देखी होगी अविनाश की, अगर आपने थ्रू आउट 4 वीक्स अगर आपने एक स्ट्रीक देखी है, तो वो स्ट्रीक ये है कि भाई देर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे वो बात करता है, अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तू भी धीरे बात कर, मैं भी धीरे बात करता हूँ, वी सॉल्व द प्रॉब्लम। सो आई वुड से एंड वी ऑल फील दैट मोर देन बींग सिटिंग ऑन द फेंस काइंड ऑफ अ गाय, ही इज समवन हु ट्राइज टू बैलेंस आउट, ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन रियल लाइफ, एंड दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू डू इन द बिग बॉस हाउस, एंड दैट इज वॉट इज ब्यूटिफुली कमिंग अक्रॉस, बिकॉज फ्रॉम वेयर वी आर सीइंग इट, इट इज कमिंग अक्रॉस वेरी ब्यूटिफुली। We would take it as positively. Absolutely. आप लोगों से कभी बात हुई उनको जब वो घर पे गए थे तो क्या उनका thought process था? क्योंकि एक ऐसा वक्त हो जाता है कि उनका एक लंबा break हो गया था television से। जब वो गए थे तभी वो discuss भी काफी बात करते हैं, जैसे जिया के साथ किया था कि मैं एक लंबा break कर लिया हूँ, फिर उनका जो relation था। आप लोग से क्या चर्चा करके गए थे कि उनका क्या thought process था, कि उनको कुछ achieve करना था, कि कुछ ऐसा था, कि दस दिन पहले जैसे ही जाने वाले थे एंड वी वर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिग बॉस का फैन रहा हूँ, तो मैंने हमेशा उसको बोला देख ऐसे करना है वैसे करना है। I'm sure. And ध्रुविन के साथ में एक फायदा ये है कि ध्रुविन is a real outside perspective in the sense that मैं एक audience हूँ, एक audience हूँ, मैं एक audience हूँ, मैं media से नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि हर एक actor अंदर जाके कैसा behave करता है। तो हम दोनों जब साथ में बैठते हैं तो we used to discuss things कि हाँ भाई ऐसा है, but उसका मैंने जब भी उसको बोला कि अभी देख तू ऐसे करना, अपने को हर चीज में पॉइंट डालना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, उसका एक ही जवाब था देख ध्रुविन मैं जा रहा हूँ क्लीन स्लेट के साथ। Yes. मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अंदर जाके ये करने वाला हूँ, मैं अंदर जाके किससे लड़ाई करूंगा या इससे दोस्ती करूंगा, मेरा एक ही चीज है आई वॉन्ट टू बी हाउ आई एम, आई एम गोना शो हु आई एम, नथिंग प्री प्लान, नथिंग प्री प्लान। ध्रुविन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह ग्रुप क्रिएट हुआ, मैं ग्रुप के मेंबर्स की बात कर रहा हूं, पूजा जी है, साइरस है, साइरस अपनी है, फलक है, अविनाश है, जैड है, नहीं जैड ग्रुप में नहीं है, ये जो कोर ग्रुप की बात कर रहा हूं, ओके, ये कई हद तक इस तरह से नहीं फॉर्म हुआ कि जो बिग बॉस जो गया है जिसमें एमसी स्टैंड की है उसमें एक मंडली कर गई थी, मंडली के जितने भी मेंबर्स थे टॉप टॉप तक है और जीता भी मंडली के मेंबर ने, तो कई हद तक वो इन सबसे वो लोग नहीं कर रहे, वो ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ। सर अगर ऐसा होता ऐसा होता तो अभी ने वीकेंड के बारे में ऐसा नहीं लिखा रहता कि पूजा जी का थोड़ा सी बातें हमें नहीं जमी, क्योंकि मंडली अगर जो सर आपने देखी होगी ना, मंडली में एक चीज थी कि हर एक बंदा एक दूसरे के बारे में कुछ भी खराब नहीं बोलता था। अभी इज अ लोन वुल्फ, वो कभी भी किसी के लिए, हाँ अगर प्यार है दोस्ती है मैं तेरे साथ हूँ, पर तू गलत है तो मैं तुझे बोलना चाहूंगा। पूजा जी की रिस्पेक्ट से शायद वो चीज को वो बोलना चाहते सामने नहीं बोला, पर सामने नहीं बोला, बट उसके बाद भी अगर आपको पता होगा तो उसने कैमरा के सामने जाके 10 बार बोला कि कुछ चीजें मुझे समझ आई है, मैं चाहता हूं जो मैंने लिखा है उसमें कुछ चेंज आ सके। बट मंडली जैसा एज आई सेड वो शेर है, he is someone जो अंग्रेजी में कहते हैं he'll call a spade no matter who you are। Absolutely, अगर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ओके, हम अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम अभी के इतने खास दोस्त हैं, अगर हम गलत भी है ना तो वो ये बोलने से डरेगा नहीं कि जिगी तू गलत है, ध्रुविन तू गलत है, चार जन मिलके बोलने, क्यों? That is how he is. He plays like a lone wolf. Simple. और एक अभी हाल ही में एक बात हुई जहाँ पे वो और फलक बैठे थे, जिन्होंने अविनाश का अपने दिल की बात की, I like you बात, उन्होंने जो रहता है कि मैच्योर साइन रहता है दोनों की तरफ से, मुझे मैच्योर साइन रहता है, उन्होंने अपने तरफ से कहा, फिर फलक ने थोड़ी देर वेट किया, फिर कहा कि I am not ready for this right now, this moment is not ready. वो कितना एक मैच्योर साइन लगता है, और अविनाश को क्या लगता है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो मूव ऑन करने की कोशिश कई हद तक कर रहे हैं? यार समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड गोइंग विद द फ्लो, अभी इज अ गोइंग विद द फ्लो काइंड ऑफ अ गाय। तो क्या होता है उस जो एक जर्नी उन लोगों ने साथ में ट्रेवल की है, बिकॉज क्या है एट द एंड ऑफ द डे एक दूसरे की शक्लें थ्रू एंड थ्रू, तो क्या होता है कि किसी के साथ में एक बॉन्ड बनता है, एंड व्हाट ही हैज सेड कि तुम मुझे अच्छी लगती हो,
सो ये अच्छी लगती हूँ इज ये एक बात है, एक अच्छी सी बात है जो उसने एक फेलो कंटेस्टेंट को बोली है. एंड इट इज अ जर्नी दैट इज ट्रैवल, अभी और जर्नी बहुत बाकी है. सो इट इज आउट ऑफ गुड फेथ, आउट ऑफ गुड विल, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. सो एक जो मन में आया वो बात उसने प्यार मोहब्बत से जाहिर की. यही बात इतनी भारी पड़ जाती है कि अभी जो डैड ने और जिया ने दोनों को मिसेस एंड मिस्टर सचदेव कहा, जिसपे वो नाराज भी हुए, खफा हुए, उनको ऐसा था कि मैं दुखी हुई, ये बात क्यों पता है, उसपे क्या कुछ करा. सर देखो क्या है, जब मिस्टर एंड मिसेस सचदेव बोलते हो ना तो वो बात आपने वो जर्नी को एंड करके एक रिलेशनशिप का नाम दे दिया. उसने क्या कहा, आई लाइक यू, ठीक है, आई एम फॉलिंग फॉर यू, आई लव यू, बातें नहीं, आई लाइक यू. तो ये एक स्टेप, आज हम कोई भी रिलेशनशिप में लेते हैं ना तो वो स्टेप बाय स्टेप, तो कोई भी वो चीज को सीधा नाम देने लग गया है वो उनको वो गलत. एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर अभी का फैन हूं तो मैं अभी की वो बात को बहुत पसंद करूंगा कि भाई ने बहुत अच्छे से चीज बोली है कि आई जस्ट लाइक यू. पर कोई उस चीज को नाम देना चाहता है उस बात को, और आई थिंक जनता भी पसंद नहीं करेगी जब तक वो चीज ग्रेजुअली स्लोली अगर ग्रो होती है तो. अभिषेक और अविनाश की मैं अगर बात करूं, जिस तरह वो लोग की जो इक्वेशन है, मुझे ऐसा कई हद तक लगता है कि अविनाश उनको एज अ स्मॉल ब्रदर मानते हैं, बट कई हद तक कुछ ना कुछ तो बात ऐसी हो जाती है. उनको पता है कि मुझे मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, अभिषेक को पता है, जिस तरह उनको व्यूअरशिप से ज्यादा वोट आ रहे हैं तो पता चलता है कि किस तरह रहता है. तो उनकी कोई वो एटीट्यूड लगता है कि अभिषेक में वो एटीट्यूड है, हाँ मुझे कुछ भी हो जाए या फिर मेरे को किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है या फिर कुछ ऐसा. I think theirs is a beautiful bromance. मैं बताऊँ, अगर चार लोग घर में रहते हैं ना, हमारी अनबन हमारे भाई बहन से भी होती है, हमारे माँ बाप से भी कभी कभी हो जाती है when we are staying in the house. तो similarly, when you stay in a big boss house, that point of time, आपके विचार शायद नहीं मिलेंगे, आपके बहुत सारे conflicts होंगे, but at that point of time, for that tenure, आप सारे एक family की तरह हैं. और मुझे लगता है कि for me, as a viewer, मुझे लगता है one of the most beautiful things that has come out of Big Boss till now, मुझे उन लोगों की उनका bromance बहुत अच्छा लगता है. एंड आप अगर देखेंगे खूबसूरती से कि कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए भी वो एक फीलिंग आती है कि हाँ यार भाई, और अभी की तरफ से भी वो फीलिंग आती है कि हाँ यार भाई. सो एंड वन मोर थिंग इज दैट एज फार एज द फैन फॉलोइंग इज कंसर्न, सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जर्नी तय की है. तो अभिषेक की अगर फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है तो मतलब लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू हिम, और अविनाश की अगर फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है तो लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम. सो आई डू नॉट थिंक दैट अभिषेक इज ट्राइंग टू. वन मोर पॉइंट एडिंग टू दिस वन, जैसे अभिषेक ने ना बहुत बार ये बोला है, अगर आपने बिकॉज हम तो ऐसे बिकॉज अभी है तो हम लाइव भी देखते रहते हैं, तो अभिषेक ने दो तीन बार ये बात बोली है कि अभी बहुत सही बंदा लगता है, जो भी बोलता है ना अपफ्रंट बोलता है. अगर आप कल का एपिसोड भी देखें तो उसको अभी की बातों में सही लग रहा था. तो जो चल रहा है ना, अनबन यार हर घर पे है, वो तो हो गए, हम 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे, छोटी मोटी बातों पे ऊपर नीचे होता है. वहां फैन फॉलोअर्स की कोई बात वो लड़ाई की नहीं है, इट इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, मुझे ऐसा लगता है. और घूम फिर के एक हो ही जाते हैं, अगर आपने देखो अभिषेक और अविनाश घूम फिर के एक हो ही जाते हैं. उसके बारे में मेरे पास में आपके लिए बहुत अच्छा आंसर है. मैं गाना गाऊंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीतने जाए रहना. हैविंग सेड दैट, दो लोगों के बीच में जो होता है ना वो दो लोगों के बीच में रहना चाहिए. व्हेन अविनाश द जेंटलमैन व्हेन ही कम्स आउट एंड ही आंसर्स ऑल द क्वेरीज, दैट इज द राइट स्पेस. व्हेन ही कम्स आउट विनिंग, यस, आफ्टर ही विंस, when he comes out winning, that is the right space where he will answer all those questions that have been said, and that if he prefers answering. Aur kisi ki bhi absence mein duniya bhar ki baatein bol dena bahut aasan. ye to raha, but jis tarah Salman Khan unko samjha rahe hain ki aap ek apna khud ka style leke khelo, jis tarah Farhan ke saath unki nazdeekiyan dikhai ja rahi hai advertisement mein ya fir jo bhi tarah Jio Cinema, तो उनमें लोगों का ये भी ओपिनियन है कि ये एक गेम
प्लान है आगे बढ़ने के लिए, तो उसके बारे में एज अ फ्रेंड आप क्या सोचते हैं और क्या अपने ऑडियंस उनके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? ये हमने पहले ही बोला कि अभी समवन गोज विद द फ्लो, ये उसका मतलब ये बहुत ही मतलब जो लोग उसको जानते हैं, पीपल हु नो अविनाश नो दैट ही गोज विद द फ्लो. हैविंग सेड दैट, सलमान खान जो भी एडवाइस देते हैं उनकी एडवाइस जो है सराखों पर होती है. एब्सोल्युटली वो बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं. और बहुत सारी ऐसे एडवाइसेज हैं इन द पास्ट फॉर सो मेनी ईयर्स, उनकी एडवाइस से कंटेस्टेंट्स को हेल्प ही मिली है. और अगर आपने भी देखा हो अविनाश का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिवली उन सारी चीज़ों को और बहुत स्पोर्टिंगली हंसते हंसते सारी एडवाइस को लेता है. सो आई डू नॉट थिंक, एज ही सेड अभी थोड़ी देर पहले, कि जब इनकी बात हुई थी जस्ट बिफोर गोइंग टू द बिग बॉस हाउस, कि यार मैं कुछ सोच के नहीं जा रहा, आई विल गो विद द फ्लो. सो ऑल वी कैन टेल यू एज फ्रेंड्स ऑफ हिम के ही इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. वो ऐसा कुछ ऐसा, हाँ मैं ऐसा सोच लूँ वैसा, जो एंगल एंगल जो आप बनाने की सोच रहे हो, इज नॉट That kind of a person. He's not that person. And वो तो आप, I'm sure you guys are media. आप अभी को सालों से जानते हो, आप लोग को भी पता है. He's not that kind of a person. वो कोई भी angle बना के या जा के सोचेगा कि चलो मैं ये करूँगा. और अगर उसने ऐसा कुछ किया रहता तो वो सिर्फ 10 मिनट बात करके उसकी बात को बाद में ख़त्म कर देता क्या? फिर वो चीज़ को और बढ़ाता कि हाँ चल मैं और फलक से बात करने की कोशिश करता. Maturely they sit together. कल मनीषा रानी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि रोज रात को फलक और अभी बैठते हैं उधर, मुझे फेक लगता है, मुझे ये लगता है, बट क्या तुमने उनकी बात सुनी है? दे टॉक नॉर्मल, दे डोंट इवन टॉक अबाउट कि यू नो लव रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है. दे टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स. जो एक मेच्योर्ड बंदा किसी के साथ बैठा है बात करता है, गेम प्लान थोड़ा बहुत होता है. आई डोंट थिंक फेकनेस, फेकनेस क्या होता है? और फेकनेस कितनी देर होगी? एग्जैक्टली कितनी देर होगी? एक दिन होगी, दो दिन होगी, कितना देर कैरी कर लोगे? इंसान हो, एक्टर हो, लेकिन इंसान भी हो आप, हाउ लॉन्ग कैन यू कैरी इट? आई एम सॉरी टू से दिस, बट जैसे अपने साइरस ब्रोचा, ही इज अ फनी मैन एंड ही इज अ ग्रेट गाय एंड ही इज अचीव्ड अ लॉट इन हिज फील्ड, बट 3 हफ्ते बाद में उनका भी एक पर्टिकुलर वो हुआ ना कि यार वो थोड़ा सा मतलब हिल गए कि भाई यार मुझे नहीं हो रहा है. सो जो अपनी अपनी जो सच्चाई है ना, वो आप कितने टाइम तक ढांक के रख सकते हो? 1 day, 2 day, 3 day, 1 week, उसके बाद में whatever is there in front of your eyes. तो प्यार भी फेक दिखेगा ना, मुंह पे दिखेगा ना, अगर कुछ भी है तो दिखेगा. और हम तो टीवी पे 24 घंटा देख रहे हैं, तो थोड़ा भी दिखेगा तो सही, पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता. बच नहीं सकते. आई होप आप अविनाश का ही नाम लोगे. क्या लगता है टॉप 3 में अविनाश के अलावा और दो कौन होंगे, और टॉप 2 में अगर अविनाश खड़े रहते तो उनके सामने कौन? मैं बोलता हूं अविनाश, अविनाश, अविनाश. हमारा आंसर से अगर हमें लड़ना है तो भी अविनाश के साथ ही लड़ना है, और जीतना है तो भी अविनाश से. कॉम्पिटिटर डेफिनेटली, जैसे बोलते हैं कि जब कहीं पिछले सीजन से भी अपन ने देखा है कि जहाँ ब्रोमांस होता है ना, वहाँ प्यार भरा कंपटीशन भी होता है. तो आई थिंक अभिषेक, अभिषेक इज अ ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट एज वेल. अभिषेक भाई बहुत बढ़िया है. उसका और एक ब्रोमांस है जाट, जाट के साथ, जाट के साथ उसने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है. इनफैक्ट आपने खुद देखा हो, ही बिकेम वेरी इमोशनल रिगार्डिंग जाट. सो मुझे तो टॉप 3 में उसी के दोस्त पसंद है. बोलते हैं ना, हम लड़ाई करें तो अपने दोस्तों के साथ, रहें तो अपने दोस्तों के साथ. बोलते हैं ना, वही एक पॉजिटिव नोट है. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू.